जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। और आइए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां सीएम रघुवर दास किसानों के बीच हैं, रूबरू हो रहे हैं, सुनते हैं। 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने, उस दृष्टिकोण से आज देश के फर्स्ट फेज में 1 करोड़ से ज्यादा किसान का डीबीटी के माध्यम से आज ही उसके बैंक के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। उसी निमित्त झारखंड राज्य में भी आज झारखंड के 5 लाख से ज्यादा किसान के डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आज 2000 रुपया पहुंच जाएगा। अगर आप शाम में अपने खाते में देखिएगा तो आपका 2000 एंट्री अतिरिक्त रहे। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारी भी राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि असली भारत गांव में रहता है, असली झारखंड गांव में रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, हमारे किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं होगा, ये राज्य समृद्ध नहीं होगा। और इसी दृष्टिकोण से हमारे किसान अपने पैर पर खड़े हो, आजादी के बाद से हम देख रहे हैं किसानों को कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के माध्यम से कर्ज माफी की बात करते हैं, और आजादी के बाद अनेक बार कर्ज माफी भी किसानों की हुई, लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी। किसानों की हालत तभी सुधरेगी जब हमारे किसान अपने पैर पर खड़ा हो सके। जब हम अपने पैर पर खड़ा होने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी 4-4 महीने 3 किस्त 2000 रुपये, और राज्य सरकार ने भी कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पर एकड़ 5000 रुपया, 2 एकड़ है तो 10000 रुपया, 3 एकड़ है तो 15000 रुपया, 4 एकड़ है तो 20000 रुपया, 5 एकड़ है तो 25000 रुपया। ये कोई गरीब किसान का 10 डिसमिल भी जमीन होगा तो उसे भी आज अगर उसके एनरोल में होंगे 5 लाख के दायरे में, तो आज उनके खाते में भी 2000 रुपये जाएंगे। ये जो राज्य सरकार की बजट से या अप्रैल से बजट की पैसे की निकासी होगी, तो बरसात के पहले यानी मई में राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, वो सारे पैसे भी डीबीटी के माध्यम से इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन करके पूरे जिले में ये काम मई महीने से वो पैसे भी डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम राज्य सरकार करेगी। इस तरह ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में, यानी किसानों की दशा सुधारने के लिए राज्य के किसान को जिसका 1 एकड़ से भी कम है मिनिमम 11000 रुपया और अधिकतम 31000 रुपया 22 लाख किसान के खाते में जाएंगे। मोदी जी की सोच है कि किसान की आय दुगुना हो, हमारा किसान